हाँ दोस्तों, माई सेल्फ इज मंजीत सिंह और आज मैं इस वीडियो में आपको RCC कॉलम में डिज़ाइन ऑफ सर्कुलर कॉलम का क्वेश्चन लगाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस RCC कॉलम के प्रीवियस लेक्चर जितना भी मैंने बनाया हुआ है LSM मेथड से, अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो पहले आप उसे देख लेंगे, जिससे इस RCC कॉलम के जो भी LSM मेथड में यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं RCC कॉलम के WSM मेथड से जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सॉल्व कर चुका हूं और इस टाइम मैं आपको LSM मेथड से बता रहा हूं। और केवल कॉलम ही नहीं बल्कि RCC में जितने भी डिज़ाइन हैं वो हर एक डिज़ाइन, हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन को मैंने LSM मेथड और WSM मेथड दोनों मेथड से ही आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक आपके लिए है कि आपको दोनों मेथड से ही इस मेरे यूट्यूब चैनल में RCC के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज का मेरा जो क्वेश्चन है वो RCC कॉलम का है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से काफ़ी चीज़ें आप लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, डिज़ाइन अ सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 400 mm। एक सर्कुलर कॉलम का डिज़ाइन कीजिए जिसका डायमीटर 400 mm है, यानी कॉलम का जो डाया है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो चलिए जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया उसको भी साथ में लिखते रहेंगे और क्वेश्चन को मैं आपको समझाता रहूँगा। गिवन वैल्यू क्या क्या है, डी इज इक्वल टू 400 mm, डाया ऑफ कॉलम कितना हो गया 400 mm, सब्जेक्टेड टू अ लोड 1200 kN और उस पर लोड कितना लगा हुआ है 1200 kN लगा हुआ है, यानी पी इज इक्वल टू दिया गया है 1200 kN। द कॉलम इज हैविंग स्पाइरल टाई, वो जो कॉलम है उस पर कौन सा टाई बार यूज किया गया है, स्पाइरल टाई बार यूज किया गया है। मैंने आपको बताया है कि दो टाइप के टाई बार यूज किए जाएंगे, या तो इंडिपेंडेंट टाई बार यूज किया जाएगा और या तो स्पाइरल टाई बार यूज किया जाएगा। इंडिपेंडेंट टाई बार क्या होता है कि पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक कॉलम में अलग अलग इंडिपेंडेंट टाई बार होगा, यानी हर एक टाई बार अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ डिपेंड नहीं होते हैं, वो हो जाता है इंडिपेंडेंट टाई बार। स्पाइरल टाई बार एक ऐसा बार होता है जो कि एक ही बार होता है, वो चारों तरफ वर्टिकल बार के चारों तरफ लपेटते हुए उसको ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं, वो होता है स्पाइरल टाई बार। द कॉलम इज 3 मीटर, जो कॉलम का लंबाई दिया गया है वो कितना दिया गया है 3 मीटर दिया गया है, लॉन्ग 3 मीटर लॉन्ग है, एंड इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। क्या लिखा है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन, उसका जो एंड है कॉलम का वो उसका जो पोजिशन है वो कैसा है, हेल्ड है, यानी उस वो अपने पोजिशन में एक स्थान पर फिक्स है बिल्कुल, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है। देखिए पोजीशन को चेंज नहीं करने का मतलब दो रीजन हो सकता है, या तो उसका एंड कंडीशन हिंज्ड है, हिंज्ड या पिन बोलते हैं, हिंज्ड है, और या तो फिक्स्ड है, ठीक है। एट बोथ एंड, यानी दोनों उसके एंड पे क्या है, हेल्ड इन पोजीशन, तो उसका दोनों एंड कैसा हो सकता है, या तो फिक्स्ड है और या तो हिंज्ड है। अब इन दोनों में क्या है वो आगे हमें पता चल जाएगा। बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट, अगर देखिए यहां पे लिखा होता है रिस्ट्रेंड अगेंस्ट, तो इसका मतलब है कि उसके दोनों एंड कैसे हैं, फिक्स्ड है, कैसा है, फिक्स्ड है, यानी वहां पे मूवमेंट नहीं हो सकता है, मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, दोनों एंड उसके फिक्स्ड हैं, वहां पर उसका हेल्ड इन पोजीशन भी होता है एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, और उसमें रोटेशन भी नहीं हो सकता है, तो ये दोनों एंड कैसे हो गए, फिक्स्ड हो गए। लेकिन यहां पर नॉट शब्द का यूज किया गया है, बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी वहां पर रोटेशन को वो रोक नहीं सकता है। तो जब हेल्ड इन पोजीशन भी हो और नॉट रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों एंड उसके कैसे हैं, हिंज्ड हैं। फिर से समझिए आप, अगर क्वेश्चन में देखो यहां दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर लिखा हुआ है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स,
बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, इसका मतलब है कि दोनों एंड उसके कैसे हैं, हिंज्ड हैं। और अगर ये नॉट शब्द हटा लिया जाए तो क्या होगा, दोनों एंड उसके फिक्स्ड हैं। तो कई बार क्वेश्चन में ये कंडीशन बिल्कुल साफ साफ क्लियर नहीं बोलता है, उसको इस तरीके से बोलता है उसके हेल्ड इन पोजीशन को लेकर के और रोटेशन के अगेंस्ट रिस्ट्रेंड है या नहीं है, ऐसे बोलता है वो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे समझेंगे। जबकि मैंने आपको जो कंडीशन बताया हुआ, वो कैसे कंडीशन बताया हुआ है कि जब वेन बोथ एंड आर फिक्स्ड, ये कंडीशन बताया हुआ है, तो वहाँ पर इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाता है, 0.65 इंटू एल हो जाता है। या जब बोथ एंड आर हिंज्ड होता है तो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो वहाँ पर ये क्लियर बिल्कुल नहीं बोला है कि बोथ एंड आर फिक्स्ड और हिंज्ड, ये नहीं अगर बोलता है तो इस तरीके से बोल लेगा, और वो मैं आपको समझा दिया। फिर से देखिए, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन आर बोथ इंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों इंड उसके कैसे हैं, हिंज्ड हैं। और अगर नॉट ये वर्ड हटा दिया जाए तो बोथ इंड आर फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको क्लियर आप रखेंगे। यूज M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील, यानी यहाँ पे जो कंक्रीट का ग्रेड यूज किया गया है M25 यूज किया गया है एंड Fe415 यूज किया गया है। यहाँ पे जो हमें डिजाइन करना है वो बाई LSM मेथड से करना है। ये क्वेश्चन ही हमारा किस मेथड से है, LSM से, WSM से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया उसमें जो गिवन वैल्यू उसको देखते हैं। आपका कॉलम का डाया कितना हो गया, 400। एक चीज़ और देखिए, आप यहाँ पे बोला डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन करने का मतलब होता है साइज ऑफ कॉलम निकालना एंड एरिया ऑफ स्टील और टाई बार का डिज़ाइन करना होता है, यानी रेनफोर्समेंट के बारे में हम यहाँ आपको बताना है और साइज ऑफ कॉलम के बारे में बताना है, लेकिन साइज ऑफ कॉलम क्वेश्चन में दे दिया गया है तो यहाँ पर हमें साइज ऑफ कॉलम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर क्या निकालेंगे हम, केवल रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन करेंगे, यानी ASC यानी वर्टिकल मेन बार यहाँ पर हमें बताना है कितने mm डाया के कितने नंबर ऑफ वर्टिकल बार प्रोवाइड करना है और कितने mm डाया का कितने mm की स्पेसिंग पे स्पाइरल टाई बार यूज करना है। ठीक है, यहां पर लेंथ दिया गया 3 मीटर। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है कि बोथ एंड आर हिंज्ड, ये मैंने क्लियर सेंटेंस में लिख दिया बिल्कुल, ये लाइन जो वहाँ पे लिखा हुआ है एंड इफेक्ट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि बोथ एंड आर फिक्स्ड। इस कंडीशन में जो इफेक्टिव लेंथ होता है वो क्या होता है, कैपिटल L के इक्वल होता है, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीटर, या हम कह सकते हैं 3000 मिलीमीटर। ठीक है, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो FCK का वैल्यू होता है वो 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है एंड Fe415 के लिए FY इज इक्वल टू 415 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पे P का वैल्यू 1200 किलोन्यूटन दिया गया है, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में आप जानते हैं कि हम लोड नहीं लेके चलते बल्कि डिजाइन लोड लेके चलते हैं, तो आपका डिजाइन लोड क्या हो जाएगा, डिजाइन लोड PU इज इक्वल टू 1.5 इंटू पी, जो भी लोड दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे 1.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमें डिजाइन लोड मिल जाएगा 1.5 इंटू 1200 किलो न्यूटन। PU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 1200, 1800 किलो न्यूटन आ गया आपका ये। बात समझ आई, तो सबसे पहला नंबर हम क्या करेंगे, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने का जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि कौन सा कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो अगर शॉर्ट कॉलम होगा तो शॉर्ट कॉलम का फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम का फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम निकालते हैं इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इफेक्टिव लेंथ अपॉन में
लीस्ट लेटरल डायमेंशन LLD शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ एंड लीस्ट लेटरल डायमेंशन। यदि इट्स रेशियो इज लेस देन 12 तो हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट कॉलम है। इफ इट्स रेशियो इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 12 देन द कॉलम इज लॉन्ग कॉलम। तो पहले हम चेक करेंगे कौन सा कॉलम है ये। इफेक्टिव लेंथ है आपका 3000 मिलीमीटर डिवाइड बाय बी। लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है, जो कॉलम का डाया होता है वो कहलाता है लीस्ट लेटरल डायमेंशन। कितना दिया गया है 400 mm। तो ये कॉलम कैसा हो जाएगा आपका, इसको रेशियो निकालेंगे 3000 डिवाइड बाई 400, 7.5 आ गया। कितना आ गया 7.5। ये 12 से कम है तो कौन सा कॉलम हो जाएगा, शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई बी इज लेस देन 12 देन कॉलम इज शॉर्ट कॉलम। ये तो शॉर्ट कॉलम हमारा चेक हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि क्या स्पाइरल टाई बार यूज करने से, स्पाइरल टाई बार यूज करने से क्या उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या यहाँ पर स्पाइरल टाई बार यूज करने से स्ट्रेंथ उसका बढ़ता है या नहीं। इसके लिए हमें एक इक्वेशन चेक करना होगा। देखिए, जब भी स्पाइरल बार का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें सबसे पहले चेक ये करना होगा कि क्या स्पाइरल टाई बार यूज करने से कॉलम का स्ट्रेंथ बढ़ता है या नहीं। अगर कॉलम का स्ट्रेंथ बढ़ता है तो कॉलम के स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में 1.05 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर नहीं बढ़ता है तो 1.05 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है कि अगर एक इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है तो हम स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम में 1.05 का मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो वो इक्वेशन क्या है आपका, VSP अपॉन VK इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0.36 AG अपॉन AK माइनस 1 इंटू FCK अपॉन FY। यही कंडीशन चेक करना ही काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर जाता है। ये स्पाइरल टाई बार के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा लंबा जो जाता है वो यही जाता है कि हमें चेक करना है कि क्या इस स्पाइरल बार यूज करने से उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये टाई, अगर इंडिपेंडेंट टाई बार का क्वेश्चन होता तो बहुत ही आसानी से लग जाता, हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के ASC और टाई बार का डिज़ाइन कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि आपका इसे हमें चेक करना ही होगा कि क्या उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो चलिए हम सारे वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके निकालते हैं हम लोग। FCK और FY का वैल्यू आपको पता है, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। AG निकालेंगे, व्हाट इज AG। देखिए, मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ AG AK क्या है, VSP VK क्या, सब कुछ ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकाल लूंगा। AG क्या होता है, ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम। तो ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे, टोटल कॉलम का एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर। कॉलम का एरिया ले लेंगे, सर्कुलर एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर। तो पाई बाई 4 इंटू डाया कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। तो ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, पाई इंटू 400 का स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका 125663.70 mm का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे AK। AK क्या है, एरिया ऑफ कोर। तो एरिया ऑफ कोर निकालने से पहले हम निकालेंगे डाया ऑफ कोर, DK निकालेंगे इसके बाद। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है फॉर्मूले आपको बता करके, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत केवल फॉर्मूला याद रखिए और वैल्यू आप निकालते चले जाइए। DK कैसे निकालते हैं, टोटल डाया माइनस 2 इंटू इफेक्टिव कवर, 2 इंटू कवर प्लस
टू इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार। ये फॉर्मूला होता है आपका क्या निकालने का, डी के निकालने का आपका, ठीक है। तो कैपिटल डी आपका कितना है 400 माइनस 2 इंटू कवर, यहाँ क्वेश्चन में कवर नहीं दिया गया, कितना ले लेंगे हम 40 mm ले लीजिए, ठीक है 40 mm अपने से ले लेंगे, प्लस 2 इंटू डाया ऑफ स्पाइरल बार कितने का ले लीजिए 8 mm का ले लेते हैं। ये मैं अभी आपको डिज़ाइन में भी बता दिया हूँ कैसे कवर निकालते हैं, कैसे स्पाइरल बार का डाया निकालते हैं, आगे मैं भी डिज़ाइन भी करूँगा तो यही वैल्यू आएगा 8 mm और 40 mm, कैसे आएगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा। क्योंकि कवर निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि डाया ऑफ मेन बार और 40 mm, इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है कवर आपका। तो यहाँ पर डाया ऑफ जो मेन बार है मैं 25 mm समथिंग लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं लूँगा, 25 का ही ले लूँगा, तो कवर कितना है 40 mm, तो ज़्यादा है। डाया ऑफ स्पाइरल बार का फॉर्मूला भी मैं अभी आपको बताऊँगा, 8 mm से लेकर 16 mm लेते हैं, या डाया ऑफ मेन बार डिवाइड बाई 4 जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होता है वो लेते हैं, तो 8 mm मैक्सिमम है, 8 mm ले लेंगे, क्योंकि 25 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा 6 point something आएगा, तो 8 mm ज़्यादा है, तो 8 mm आप याद कर लीजिए, स्पाइरल बार को हमें 8 mm लेना है और कवर को कितना लेना है 40 mm लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 400 माइनस 2 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 8 336 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, अब यहाँ पर हमें निकालना है AK, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम यहाँ पर AK, तो AK इक्वल टू क्या हो जाता है पाई बाई 4 इंटू DK का स्क्वायर माइनस ASC। अब यहां पर हमें ASC नहीं मालूम है, अब ASC तो पहले मुझे आपको ASC निकालना सिखाना होगा। एक काम करता हूं मैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको स्पाइरल बार का क्वेश्चन निकालना आपको नहीं बताया है। एक काम मैं ये करता हूँ यहाँ पर कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करने जा रहा हूँ, चेंज ये करूँगा कि अभी मैं डिज़ाइन का न क्वेश्चन करवा के बल्कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि पहले आपको स्ट्रेंथ निकालना आ जाएगा तब आप डिज़ाइन करना जल्दी सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं यही क्वेश्चन आपको दे देता हूँ तो फिर ये सही आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं मैं, और इसके जो आगे वाला लेक्चर हमारा होगा उसमें यही क्वेश्चन मैं डिजाइन का बताता हूं आपको। तो डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम, तो यहां मैं लिख देता हूं फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, फाइंड द स्ट्रेंथ, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आप जरूरी समझता हूं कि पहले आपको स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए, फिर मैं आपको वहां पर क्या बताऊंगा डिजाइन करना। तो अगला वीडियो आप जरूर देखेंगे जिसमें मैंने डिजाइन करवाया हुआ है आपको, इसके जस्ट अगला क्वेश्चन हमारा डिज़ाइन का ही होगा। तो जब भी डिज़ाइन का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर एरिया ऑफ स्टील भी दे देता है, तो एरिया ऑफ स्टील मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पे ASC इज इक्वल टू ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम कैसे निकालेंगे, द कॉलम इज हैविंग स्पाइरल टाइज टाइज ऑफ 8 mm
50 mm के पिच पे। यहां पे दे दिया गया कि जो स्पाइरल टाई बार है वो 8 mm का यूज किया गया है, 50 mm के पिच पे यूज किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने डिजाइन का नहीं बल्कि आपको स्ट्रेंथ का बता दिया। ठीक है, अगली बार जब मैं डिजाइन में ये चाहता हूं कि जब मैं आपको डिजाइन बताऊं ना तो वहां पर कॉलम का डाया भी निकालना मैं बताऊं, स्पाइरल टाई बार कितने mm डाया के कितने पिच पे निकालना वो भी बताऊं और ESC भी निकालना बताऊं। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन मैंने स्ट्रेंथ निकालना बता दिया आपको। तो चलिए, पाई बाई 4 इंटू डी के का वैल्यू कितना है 336 का स्क्वायर माइनस ESC कितना है आपका 3927। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 इंटू 336 का स्क्वायर माइनस 3927। 84741 mm का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको, AK का वैल्यू मिल गया। अब हम इस AK के बाद क्या निकालेंगे, AG मालूम हो गया, AK मालूम हो गया, अब हम निकालेंगे VK। VK के लिए मैंने आपको बताया था VK क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल टाई बार। तो 1 mm हाइट पे हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल टाई बार। तो VK कैसे निकालते हैं, VK इज इक्वल टू जो आपका एरिया AK है इंटू 1 mm का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट मैं कितना ले लेता हूँ, यहाँ पे एज्यूम कर लिया पर 1 mm के हाइट पर VK का वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो AK का वैल्यू तो वही वैल्यू रह जाएगा आपका, जो AK का वैल्यू है वही VK का वैल्यू हो जाता। अब आपको VK भी मिल गया, अब हम निकालेंगे VSP। VSP क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल बार। तो VSP निकालने से पहले हम निकालेंगे LSP, लेंथ ऑफ स्पाइरल बार। LSP निकाल लेंगे अब हम। LSP का फॉर्मूला क्या होता है, पाई DK का स्क्वायर माइनस पिच का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे आपका, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे प्लस होता है LSP। तो पाई इंटू 336 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, LSP निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे VSP और VSP का फॉर्मूला क्या है। VSP निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्पाइरल बार पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर। देखिए VSP क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल बार। तो पहले निकालेंगे स्पाइरल बार का एरिया पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर इंटू LSP अपान में P। तो पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, डाया यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 mm का स्क्वायर इंटू LSP। LSP कितना है 1056.75 बाई 50। अब हमें सारा वैल्यू पता हो गया, अब हम इक्वेशन में रख के चेक कर लेंगे। तो VSP अपान VK इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0.36 AG। AG का वैल्यू कितना है 12566.70 अपान AK 84741.31 माइनस 1 इंटू FCK अपान FY। सॉल्व कीजिए,
0.29 आ गया आपका, यानी कि ये वैल्यू आपका ज़्यादा नहीं हुआ। जब ज़्यादा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है कि स्पाइरल बार यूज करने से उसके स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये 0.0520 है और ये आपका 0.29 है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तब हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला वही लगाएंगे जो इंडिपेंडेंट टाई बार का लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन में स्ट्रेंथ निकालने के लिए देता है उस क्वेश्चन में आपको लोड तो दिया नहीं जाएगा, इस वैल्यू को हटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगला क्वेश्चन जब मैं डिजाइन का बताऊंगा तो यही क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए मैंने क्या चेंज किया है इस क्वेश्चन में, एक तो डिज़ाइन ऑफ कॉलम जो लिखा था वहाँ पे मैं स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम पूछ लिया वहाँ पर, दूसरा मैंने स्पाइरल टाई बार का डेटा दे दिया और ASC दे दिया है आपको, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक बार पहले आपको स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम निकालना आ जाना चाहिए, ये सारा सब चीज़ जब आ जाएगा तो डिज़ाइन करने में बहुत ही आपको आसानी होगा वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अगर ये आपका वैल्यू ज़्यादा आता तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम में हम 1.05 का मल्टीप्लाई करते, अगर नहीं जाता है तो 1.05 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यानी शॉर्ट कॉलम के स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वही हम लगा देंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहां पर स्ट्रेंथ 0.4 FCK इंटू AC प्लस AC क्या है आपका, AC है कंक्रीट का एरिया, प्लस 0.67 FY इंटू ASC 0.4 इंटू FCK। AC कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया में से ASC माइनस कर देते हैं, प्लस 0.67 FY इंटू ASC। सब वैल्यू आपको पता है, वैल्यू रख दीजिए। AG का वैल्यू कितना है, AG का वैल्यू है 12566.3.70, माइनस ASC कितना है 3927, प्लस 0.67 FY है 415 इंटू ASC 3927। अगर देखिए आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता तब हम क्या करते, तब हम इसी फॉर्मूले में 1.05 का मल्टीप्लाई कर देते। बात समझ में आएगी नहीं आपको, 1.05 का मल्टीप्लाई कर देते, अगर नहीं होता तो फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 12566.3.70 माइनस 3927 इंटू 0.4 इंटू 25 प्लस 0.67 इंटू 415 इंटू 3927, ये आ गया आपका 2.3 इंटू 10^6 न्यूटन आंसर है आपका। तो ये रहा है आपका स्पाइरल टाई बार जब क्वेश्चन में दे दिया जाए तो उसका स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये वाला स्टेप हमें हटाना होगा ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर लोड अब नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन को क्या किया है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में कॉलम का स्ट्रेंथ निकालना है जिसमें डाया 400 mm दिया गया है, ASC दिया गया है यहाँ पर आपको, स्पाइरल टाई बार दिया गया 8 mm डाया के 50 mm के पिच पे लगा हुआ है, और यहाँ पे कंक्रीट और स्टील का ग्रेड दे दिया गया है, एंड कंडीशन दे दिया गया है कि उसका जो है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एट बोथ एंड नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन। कंडीशन से हम क्या किए, स्मॉल एल का वैल्यू निकाल लिए थे और उससे हमें मैंने चेक कर लिया था कि किस टाइप का कॉलम है, ये शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है। अगर शॉर्ट कॉलम है तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर लॉन्ग कॉलम होता तो क्या करते, इसी फॉर्मूले में CR का मल्टीप्लाई कर देते, रिडक्शन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते CR।
ऑलरेडी मैं ऐसा फॉर्मूला सब कुछ आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप तक अभी ने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाना चाहिए। फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइन ऑफ स्पाइरल बार एंड उसका डाया भी कॉलम का पूछ लूँगा मैं वहाँ पर क्वेश्चन में, और ASC भी निकालना आपको बताऊँगा।